हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिराक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिराक इक्वेशन है उसको कुछ हम इस तरह से लेते हैं। इसमें अगर हम सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सी और पी को साथ में कर दें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सी पी को रिप्लेस करेंगे सी पी माइनस ई ए से, और हम जो ई है उसको रिप्लेस करेंगे ई माइनस ई फाइव से। बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। सी पी को रिप्लेस करेंगे सी पी माइनस ई ए से, और ई को रिप्लेस करेंगे ई माइनस ई फाइव से। वेयर जो ए है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और जो फाइव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो स्केलर पोटेंशियल है। अब इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने इस पार्ट से, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था यहाँ पॉजिटिव ले लिया, और इस नेगेटिव के बदले भी वहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका स्क्वायर मिलेगा, देन हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये इसका स्क्वायर मिलेगा, और फिर हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा स्क्वायर की वैल्यू वन होती है, तो एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर मिलेगा, वो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम जो ये वाला पार्ट है इसे इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और फिर ये वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। बाकी सारे टर्म यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है, बाकी टर्म हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब वेक्टर कैलकुलस की यू हेल्प से अगर हम इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करें, अल्फा डॉट सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर माइनस ई एच क्रॉस सी सिग्मा डॉट कर्ल ऑफ ए। और जो कर्ल ऑफ ए होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है, तो कर्ल ऑफ ए के बदले मैग्नेटिक फील्ड हमें रख लेना है, यानी कि इसको हमें इस क्वांटिटी से रिप्लेस कर देना। सिमिलर वे में जो ये वाला पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को यानी कि नेगेटिव ई माइनस ई फाइव अल्फा डॉट सी पी माइनस ई, जो पूरा पार्ट है इस पार्ट को जब वेक्टर कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा माइनस आयोटा ई एच क्रॉस सी अल्फा डॉट ई। इन वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन होगी वो कुछ ये बन जाएगी। अब इसमें जो ये टर्म रह गया इसकी भी हम कुछ वैल्यू पुट करने वाले हैं। ई माइनस ई फाइव को हम लिख सकते हैं ई डैश प्लस एम सी स्क्वायर माइनस ई फाइव, यानी जो टोटल एनर्जी है उसको मैंने ई डैश प्लस एम सी स्क्वायर एनर्जी में तोड़ दिया, जहाँ पर एम सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी होती है। फिर इसमें से अगर मैं एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लूँ, तो एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लेने मुझे मिलेगा बाहर एम स्क्वायर, और सी टू दी पावर फोर बाहर मिलेगा, और यहाँ मेरे पास वन बचेगा, तो यहाँ वन लिखा हुआ है, और इसके डिवाइड में आ जाएगा एम सी स्क्वायर की पावर होल। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इक्वल्स टू वन प्लस एन एक्स प्लस, बाकी टर्म भी आते हैं जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही टर्म यहाँ पर हम लेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करें तो एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर ऐसे रहेगा, यहाँ पाएगा देखो जो एन होता है ये आगे आता है, तो एन यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर टू लग जाएगा वन प्लस टू, और ये पार्ट एक्स एज इट इज लिखा हुआ है। अब इसमें हम एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एम से एक एम कट जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो एम सी स्क्वायर से यहाँ पे और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमें इस वाली पार्ट की वैल्यू यहाँ पे अगले इक्वेशन में रखनी है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखने के बाद एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर से एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसमें ये ई माइनस ई फाइव के होल स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा टू एम सी स्क्वायर ई माइनस ई फाइव, और ये वाले पार्ट जो है आपके एज इट इज लिखे जाने वाले हैं। अब इसमें टू एम सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना हर टर्म से, और आपको जो फाइव वेव फंक्शन साई है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है सारे टर्म से, तो उसके बाद ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें आपको ये जो पार्ट है टू एम सी स्क्वायर, इस टू एम सी स्क्वायर से हर इक्वेशन को हर टर्म को डिवाइड करना है टू एम सी स्क्वायर से, और टू एम सी स्क्वायर से हर टर्म को डिवाइड करना है, एंड देन उसके बाद हमें सारे पार्ट को वहाँ भेजना है एक्सेप्ट दिस, यानी कि इस एनर्जी वाले पार्ट को यहाँ रहने देना, बाकी सारे पार्ट को उधर भेज देना। तो हमें कुछ इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी जिसमें टू एम सी स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर कट गया, तो ई और ई डैश साई बचा है, और बाकी पार्ट में भी एम सी स्क्वायर कैंसिल करने के बाद उसको हमने वहाँ पे भेज दिया एलसीएस के साथ, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सी बी माइनस ए के डिवाइड में से सी स्क्वायर को भेज देगा, जब सी स्क्वायर अंदर जाएगा तो सी बन जाएगा, तो सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ का पी माइनस ई ए बाई सी आ जाएगा, बाकी पार्ट एज इट इज लिखा हुआ है। हमें जो इक्वेशन मिली इस इक्वेशन को बोलते हैं डिराक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन को अगर श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ई साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम साई। इसमें हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना है तो उसमें हमको ई को रिप्लेस करना पड़ेगा ई माइनस ई फाई से, और जो पी पी है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा पी माइनस ई ए बाई सी से, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें ई की जगह पर हमने लिखा हुआ है हमने ई माइनस ई फाई, और पी की जगह पर लिखा हुआ है पी माइनस ई ए बाई सी का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस। हम इन दो इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें साइड बाई साइड तो हमको मालूम पड़ता है, देखो ये जो ई फाई है ये तो थोड़ा माइनस आ जाएगा, तो ई डैश माइनस ई फाई साई ये तो निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है इधर की साइड, और बाकी ये टर्म्स इधर मिल रहा है और यहाँ आपका ये टर्म मिल रहा है, तो उसमें दो टर्म एक्स्ट्रा है, एक ही वाला टर्म एक्स्ट्रा जिसमें बी आ रहा है, और एक वाला टर्म एक्स्ट्रा जिसमें ई आ रहा है। जो बी वाला टर्म है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एनर्जी, और जो ई वाला टर्म है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी उसको हम देते हैं म्यू डॉट बी से, तो उसका मतलब इस बी को छोड़कर बाकी सारा पार्ट जो है वो म्यू है, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हमको मिल जाएगी
ई एच क्रॉस सिग्मा अपॉन टू एम सी। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालें तो ये जो ई को छोड़कर बाकी जो पूरा पार्ट है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का आई ई एच क्रॉस अल्फा अपॉन टू एम सी। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा था वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और हाँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं।